नाइस वन. सेकेंड क्वेश्चन है कि ये जो चाइनीज ऐप के ऊपर जो बैन आ रहा है, अजय देवगन ने भी वीडियो बनाया और फोन ब्रांड्स को लेकर काफी एड्स बनाए बन रहे, तो कार्तिक आर्यन हैज बैक्ड आउट फ्रॉम इट. लेकिन अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, सलमान, दीपिका, एवरीवन आर देयर, हु आर स्टिल नॉट, मतलब क्लियर नहीं किया उन्होंने कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे. तो एज एन आर्टिस्ट, एज एन सुपरस्टार, आपके क्या व्यूज है ऑन दिस एंटायर बैनिंग एक्चुअली चाइनीज ऐप्स एंड? पहले पहले आई मीन हाँ, ये जो कदम उठाया गया थ्रू द गवर्नमेंट, उससे पहले आई वाज आल्सो काइंड ऑफ यू नो डूइंग अ लॉट ऑफ ब्रांड एंडोर्समेंट डील चाइनीज ब्रांड्स का. और मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट सारी के सारी चाइनीज ब्रांड्स की एंडोर्समेंट डील्स की हैं पहले. बट एज अ टीम नाउ हमने भी डिसीजन लिया है कि हम किसी भी चाइनीज ब्रांड का यू नो के संग अपना एसोसिएशन नहीं रखना चाहते. बिकॉज देश है तो जहान है, देश है तो हम हैं. एंड आई हैव ऑलवेज रिप्रेजेंटेड माई कंट्री. मैं अपनी कंट्री की एम्बेसडर रह चुकी हूँ. एंड आई ट्रूली फील आई एम प्राउड इंडियन. मैं इस बात को डंके के शो में बोलती हूँ. एंड आई फील कि जो भी डिसीजन हमारी गवर्नमेंट लेगी एंड एज एन इंडियन हम किस तरीके से उस डिसीजन को सपोर्ट कर सकते हैं, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आई आई कम्प्लीटली सपोर्ट दिस डिसीजन. एंड आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हमारी भी यू नो कुछ वैल्यू सिस्टम होना चाहिए. एंड ऑब्वियसली एज माई टीम ऑल्सो वी ट्रूली बिलीव इन दिस वैल्यू सिस्टम. एंड हम वी विल ऑल्सो रिफ्रेन आर सेल्व बाय आई मीन यू नो इंडोर्सिंग सच ब्रांड्स. बट जो काफी लोग अभी भी कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू सजेस्ट और रिक्वेस्ट देम नॉट टू डू इट एंड सपोर्ट आवर कंट्री? एक्चुअली मैंने तो किसी को नहीं देखा अभी, किसी को भी कोई भी चाइनीज यू नो ब्रांड को प्रमोट करते हुए मैंने नहीं देखा अभी. आई मीन कुड बी द ओल्ड एड्स व्हिच आर स्टिल प्लेइंग. yeah exactly could be the old ads. And it also depends on the termination of the contract or the number of years you know it must be, because so many you know factors it can be. But I think कोई भी एक्टर होगा मेरे हिसाब से तो कोई नहीं करेगा दैट्स अ गुड वन. जैसे अभी हम यहाँ इंडियन पे बैंड्स अनाउंस, इतनी सारी आ गई हैं. अभी इंडियन बैंड्स इतनी सारी आ गई हैं तो फिर यू नो अब हर कोई इंडियन बैंड्स सपोर्ट. जैसे आज हमने अनाउंस किया तो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमको आए थे, प्लीज आस्कर अबाउट सुशांत सिंह. सो क्या है उसके ऊपर आपके व्यूज क्या है? तो जी प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं अवॉइड नहीं कर सकता. कंटिन्यूअसली देव बिन आस्किंग, अभी भी वो पूछ रहे, प्लीज आस्कर, प्लीज आस्कर. यू हैव बीन ऑलवेज वोकल अबाउट योर थॉट्स एंड एवरीथिंग. सो उर्वशी वुड लाइक टू नो योर व्यूज ऑन दिस एंटायर डिबेट विच इज हैपनिंग. यू हैव स्ट्रगल्ड योर वेज एंड आप यहां तक पहुंची है. यू नो यू ऑल्सो डोंट हैव अ गॉड फादर, यू नेवर हैव अ फ्रॉम फिल्म बैकग्राउंड. आपने आज जो भी किया अपने बल पे किया. तो ये जो पूरा नेपोटिज्म वर्सेज आउटसाइडर वाला भी जो डिबेट चल रहा है, दोनों दोनों मुद्दों पे आपके व्यूज बताइए. जी मैं ये कहूँगी कि सुशांत मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त थे. एंड ऑल आई वॉन्ट इज कि यू नो वी ऑल शुड हैव अ वेरी लविंग मेमोरी फॉर सुशांत. इट इज़ अ लॉस, इट इज़ अ ग्रेट लॉस ऑफ बॉलीवुड. बट हमको ये भी सोचना चाहिए कि हमसे ज़्यादा उनकी फैमिली का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है. उनके जो पिताजी हैं उनका ज़्यादा लॉस हुआ है. तो हम हमारे मन में कुछ यू नो कुछ भी हमें नेगेटिव नहीं रखना चाहिए इस चीज़ को लेकर के. वी शुड ऑल बी वेरी पॉजिटिव एंड वी शुड ऑल हैव ऑल द लवली मेमोरीज ऑफ हिम बिकॉज ही वॉज अ ब्राइट ही वॉज अ वेरी ब्राइट पर्सन. एंड इवन वो भी ये चाहते होंगे कि हम हमेशा उनके लिए यू नो अच्छी फीलिंग्स रहे हैं. उनको एक अच्छे आर्टिस्ट के तरह हम उनको याद रखें, अच्छे ह्यूमन बींग की तरह याद रखें. उनकी उन्होंने इतनी अमेजिंग फिल्म्स की हैं जिनके इतने अमेजिंग यू नो मैसेजेस थे. तो आई थिंक उनकी फिल्म्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड्स में हमेशा रहेंगी. और जो उन्होंने बॉलीवुड के लिए किया है वो इट इज़ लाइक यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. वो बहुत उन्होंने अचीव किया है. ही इज़ लाइक आई वुड से अ सुपर अचीवर इन माई टर्म्स. या Wow, this is a very noble thought. जो आपने ये कहा है कि actually let's remember him for the good things and the good films which and the good songs which he has given us. But again, ये जो मुद्दा जो चल रहा है ट्विटर पे, ये जो पूरा आउटसाइडर वर्सेज नेपोटिज्म, जो फैंस में एक आक्रोश है, काफी सपोर्टर्स भी है सुपरस्टार्स के, उससे आप, यू हैव वर्क विद सुपरस्टार्स, यू हैव वर्क एज एन इंडिविजुअल एक्टर ऑल्सो, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि क्या है आपके व्यूज? रिलेटेड टू पार्डन मी द नेपोटिज्म वर्सेज आउटसाइडर का जो डिबेट चल रहा है.
सी आई थिंक ये आई मीन इसके बारे में सब लोग सभी जानते हैं और मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो बिकॉज एवरी वन नोज एवरी थिंग. मैं जो भी बोलूँगी वो वही बात होगी जो ऑलरेडी सब लोगों को पता है. बट एट द सेम टाइम यू नो मैं बस ये चाहती हूँ कि जो अच्छी स्क्रिप्ट हैं वो भी आउटसाइडर्स को मिले और यू नो जो आई थिंक it is kind of difficult जब आप बाहर से आते हैं. बहुत ज़्यादा difficult होता है क्योंकि आप किसी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं. तो I think you know the right opportunities जो बाकियों को मिल रही है उतनी outsiders को भी मिलनी चाहिए. Opportunities in a way, the right opportunity, a right film, a right script, that's what is really important and that's what every artist wants. एक चीज और है, ये है कि जो भी शूटिंग है रिज्यूम, यू नो टीवी सीरियल्स की शूटिंग शुरू हो गई है, फिल्मों की भी शूटिंग शुरू हो रही है, बट अगेन वहीं पे फिल्म इंडस्ट्री एंड टेलीविजन इंडस्ट्री से काफी केसेस आ रहे हैं कोविड के. अमिताभ बच्चन से लेकर पार्थ तक अगर हम देखेंगे, टीवी एक्टर जो है दे आर गेटिंग यू नो इन्फेक्टेड. तो ये जो प्रिकॉशंस है जो लिए गए या लेने वाले हैं उसके ऊपर आपके क्या व्यूज है, ये जो हो रहा है, यू नो यू गाइज आर गोइंग आउट, यू आर गोइंग टू वर्क एंड I think we all should pray really hard or I'm very sure that you know I mean Amit sir will come out of it. But ye jo shooting pe precautions ki Abhishek Bachchan and Aishwarya Rai and you know even the small kid Aradhya and we all should pray hard and you know they will come out of it. बट आपको क्या लगता है कि ये प्रोड्यूसर्स शुड टेक मोर केयरफुल, यू नो बी केयरफुल ऑन व्हाइल शूटिंग पे और सब ये सब प्रिकॉशंस होने चाहिए. आई एम डेफिनेटली सपोर्ट कोविड 19 इंश्योरेंस और जो हमारी फिल्म्स बने तो उसमें कोविड 19 इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद मेरी एक फिल्म आने वाली है जो कि हिंदी फिल्म है ऑफ अ सुपर हिट तमिल फिल्म. इट्स कॉल्ड थिरु पय्यलकु. इसमें आई एम प्लेइंग द लीड रोल ऑपोजिट टू गाइस, विनीत कुमार एंड अक्षय ओबरॉय. इज डायरेक्टेड बाय सुसी गणेशन एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म. ऑब्वियसली वो फिल्म भी रिलीज हो जाती है बट उसमें हमारा एक सॉन्ग शूट पेंडिंग है और डबिंग पेंडिंग है. तो आई रियली होप कि जब थोड़ा माहौल अच्छा हो तो हम कर पाए फिनिश. और आपके फैंस आपको वापस एक और वीडियो एल्बम में देखना चाहते हो, वेब सीरीज में देखना चाहते हो, तो उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही बोलूंगी वर्जन भानुपुर ये देखें 16 जुलाई में सबसे पहले. वो तो मैंडेट है. 200 से ज्यादा कंट्रीज में जाने वाली, इसका रीच इतना ज्यादा होगा. यू नो जी इज अवेलेबल इन यूएसए, आई मीन कनाडा, अफ्रीका, यूएई, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, सारे रीजन्स में अवेलेबल है. एंड सबसे पहले वर्जिन मानोफिया देखें. चलो, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट एंड उर्वशी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. यू टू टेक केयर. थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू. बाय बाय. बाय.